बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन के जेल से बाहर घूमने की तस्वीरें खूब वायरल हुई थी, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। वायरल तस्वीर को लेकर बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रही है और कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रही है। देखिए, कार्तिकेय सिंह एक किडनैपिंग के मामले में अभियुक्त हैं और उन पर एक कोर्ट का वारंट था। 16 अगस्त को उनको कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन वो कोर्ट में सरेंडर नहीं करते और मुख्यमंत्री उनके नाम की अनुशंसा करते हैं, वो मंत्री बनते हैं और वह भी कानून मंत्रालय उनको सौंप दिया जाता है। ये वही कार्तिकेय सिंह हैं जो आनंद सिंह के दाहिना हाथ। आनंद सिंह कौन है? जो बिहार के कुख्यात बाहुबली हैं, जिनसे नीतीश और लालू भी डरते हैं, वो आनंद सिंह हैं, उनका आदमी है, उनको मंत्री बना दिया और कानून मंत्रालय दे दिया। और कानून मंत्रालय देने के पीछे की एक ही मंशा है कि राजद से जुड़े जितने विधायक और मंत्री जिन पर आपराधिक मामले हैं, उनके मामलों को रफा दफा कर दिया जाए, यही एकमात्र इसका उद्देश्य है। उधर बीजेपी के हमले के साथ ही मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं, जिसको लेकर नीतीश सरकार घिरती नजर आ रही है। दरअसल ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि उम्र कैद का आरोपी आनंद मोहन करीब 47 घंटे तक बिना रोक टोक जेल के बाहर अपनी मर्जी से सैर सपाटा करता रहा, जिसकी तस्वीरें भी काफी वायरल हो रही हैं। रिपोर्ट की माने तो आनंद मोहन की 12 अगस्त को कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन वो एक दिन पहले ही बीमारी का हवाला देते हुए 11 अगस्त की शाम करीब 5:45 पर जेल से बाहर आ गया। इस दौरान उसके साथ एसआई संतोष के अलावा 4 सिपाही मौजूद थे। जेल से निकलते ही वो पटना के लिए रवाना हो गया और करीब 2 बजे पटना पहुंचा, जिसके बाद अगले दिन महज 3 घंटे कोर्ट में बिताने के बाद अपनी मर्जी से घूमने चला गया। वहीं रास्ते में एक बार फिर बीमारी का हवाला देकर वो समस्तीपुर के मुसरी घरारी में 2 घंटे के लिए रुका और फिर बेगूसराय होते हुए खगड़िया के लिए निकल पड़ा, जिसके बाद वो 13 अगस्त की सुबह खगड़िया में आरजेडी कार्यालय पहुंचा और वहां काफी समय बिताने के बाद सहरसा जेल के लिए रवाना हो गया। मामला हैरान करने वाला है, लेकिन वो कहावत है ना, जब सैया हुए कोतवाल तो डर किस बात का।